वायुसेना ने 8 अक्टूबर को अपना 51वां स्थापना दिवस मनाया। इस खास मौके पर संगम नगरी प्रयागराज के आसमान में अद्भुत नजारा दिखाई दिया। सबसे बड़े एयर शो में भारतीय वायुसेना के विमान सारंग, चिनूक, तेजस, ग्लोब मास्टर और सूर्य किरण ने आसमान में करतब दिखाए, तो वहाँ मौजूद लाखों लोग इस अनोखे नजारे के गवाह बने। संगम में आयोजित किए गए एयर शो में वायु योद्धाओं के अदम्य साहस और शौर्य का महाकुंभ दिखा। लाखों की संख्या में आई भीड़ ने हाथ में तिरंगा लेकर और भारत माता की जयकारों से वायु सैनिकों का इस्तकबाल किया। वहीं वायु सैनिकों और पैराट्रूपर्स ने अपने तरीके से संगम नगरी का अभिवादन किया। युवाओं को राफेल की दहाड़ पसंद आई तो बुजुर्गों को अपने जमाने के टाइगर मोथ पसंद आए। भारतीय वायुसेना का आज 91 स्थापना दिवस है और ऐसे मौके पर प्रयागराज में एक बड़ा सा एयर शो रखा गया है। और अगर हम बात करें तो ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है और हमारे ठीक पीछे आप देख सकते होंगे कि यहाँ पर जो भीड़ है उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि शायद ये लग रहा है कि कुंभ का मेला लगा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। और यहाँ पर एयर शो को देखने के लिए प्रयागराज के साथ साथ आसपास के जो ज़िले के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। ऐसे में हम यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत करेंगे जो एक परिवार के साथ अपने पूरे आए हैं और क्या कहना चाहते हैं। अभी आपने देखा है कि बहुत सारे हैरत अंगेज जो है यहाँ पर करतब दिखाए गए हैं, क्या कहना चाहते हैं, कितना अच्छा लगा? बड़ा गर्व महसूस हुआ। आज हमें एहसास हुआ कि हमारा भारत देश कितना सशक्त हो चुका है वायुसेना के क्षेत्र में। और करतब देख के ऐसा लगा कि पहली बार, बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे हम लोग इसका। जब से पता चला था कि यहाँ पर एयर शो होने वाला है तो हम लोगों ने छुट्टियाँ लेके बाहर से आए एयर शो देखने के लिए, और बड़ा अच्छा लगा, बड़ा गर्व महसूस हो रहा है अपने देश। पूरा परिवार आए? पूरा परिवार, बच्चे, हमारी वाइफ, सब लोग हैं। हम बच्चे से बात करते हैं, कितना अच्छा लगा हवाई अड्डा देखा? मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, कितना करीब से देखा, हमेशा टीवी में देखते हो? हाँ। क्या कहना चाहते हो, कितना अच्छा और लग रहा है? कि मुझे इतना अच्छा और लग रहा है कि मेरा और देखने का मन कर रहा है। और मन कर रहा है? हाँ। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं और भी कुछ बच्चे, हम उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि हमेशा आपने टीवी में देखा होगा फाइटर प्लेन है, बहुत बड़े बड़े प्लेन है, 100 से ज्यादा प्लेन जो है वो एयर शो का हिस्सा बने हैं, क्या कहना चाहते हैं? भैया, मैं बहुत अच्छा देखा, मैंने ऐसा उम्मीद ही नहीं किया था जो आज हुआ, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। बहुत अच्छा लगा जी। आपको भी इंतजार था? जी जी, बिल्कुल इंतजार था, बहुत अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई देख कर के, अच्छा लग रहा है। ये जो शो हो रहा है बहुत ही, मतलब नज़दीक से देख करके बड़ा लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ये मोदी जी के समय में ही संभव हो पाया है, बाकी इसके पहले तो कभी संभव नहीं हो पाया। धन्यवाद जी। आप भी यहाँ पर आए हैं, बच्चों का आए हैं? जी, बड़ा गर्व महसूस हो रहा है, इस शो को पहली बार देख रहे हैं बच्चों के साथ और बच्चों को भी बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ भीड़ देख के बहुत अच्छा लग रहा है, सारे लोग बहुत। आप बताओ क्या कहना चाहते हो, कितना अच्छा लग रहा है? आज बहुत अच्छा लग रहा है, टीवी में बहुत बार देखा, सच में देखने को मिल रहा है। क्या नाम है आपका? सिद्धि पाटिल। ठीक है, सिद्धि हैं जो बता रही थी कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और सामने तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर जो हैं वो यहाँ पर अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं। आप बताएं कि कितना अच्छा लग रहा है और कितना इंतजार था आज के दिन का? आज का दिन बहुत अच्छा था, हमें भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। इंतजार कितना था, क्योंकि सबको पता था कि आज के दिन जो है एयर शो होगा? हम लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि आज एयर शो होगा प्रयागराज में। और भीड़ देख रही है, भीड़ बहुत ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा भीड़। अच्छा लगा? हाँ। तो बिल्कुल, तो ये इलाहाबाद की जनता है जिनको बेहद अच्छा लग रहा है। और एक खास तौर पर इन्होंने नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद ये कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके के यहाँ पर एयर शो का आयोजन किया गया है ऐसा एशिया में पहली बार हो रहा है, जब 100 से ज़्यादा जो हवाई जहाज़ हैं वो अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं। ब्यूरो जर्नलिस्ट संघ उपाध्याय के साथ सैयद आखिरदा, पंजाब के सी टी वी, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।